आध्यात्मिक जगत के लोगों से बात की जाए। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरठ से। सर, बहुत स्वागत है आपका गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प में। सांसद जी, मेरा पहला सवाल यह है कि मेरठ से होकर भी गंगा गुजरती है, हापुड़ से भी गंगा गुजरती है, गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें या मेरठ के तमाम घाटों की हम बात करें, गंगा की स्वच्छता को लेकर किस तरीके से आप मेरठ और हापुड़ के स्तर पर काम कर रहे हैं और क्या उसके जमीनी स्तर पर परिणाम आ रहे हैं? विषय से मैं देखा जाए तो 2009 में मैं सांसद बना, उससे पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। लेकिन 2009 में मैं संसद में पहुंचा तो वहां पर भी हमारे जो उस समय के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, श्रीमती रमन सिंह जी थे, मैं था और भी हमारे तीन चार और सहयोगी सांसद थे, उनके साथ मिल करके हम गंगा के विषय में बात करते थे। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका था, परंतु गंगा की शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत अधिक कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से नहीं होते। तो मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा, खाली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जवाब सबसे है, मेरे बड़ा स्वाभाविक है। गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा हमारी प्राण है, गंगा हमारा मान सम्मान भी है। और गंगा जो है पूरे यानी उत्तर प्रदेश को लेकर के बिहार बंगाल तक हमारे इतने बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है, हमको पीने का शुद्ध जल देती है, बहुत सारी बातें गंगा के साथ जुड़ी हुई। और इसीलिए गंगा को विशेष स्थान हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक मान्यताओं के अंदर, हमारी सभ्यता की परंपराओं के अंदर दिया हुआ है, तो उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक मेरठ की बात है, देखिए मेरठ में हमको पता है जो पुराना मेरठ तो गंगा यमुना के बीच का ही दबाव था, अभी मेरठ के एक किनारे पर गंगा बहती है और दूसरी इधर फिर गाजबाव की यमुना बहती है। तो गंगा मेरठ के अंदर भी मखदुमपुर का घाट है, फिर हापुड़ के अंदर वो आ गया है, वो गढ़ मुक्तेश्वर का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो ये गंगा ऐसे बहती है, निस्तंत है, मेरे चुनावी क्षेत्र में गंगा नहीं, संयोगवश में थोड़ा सा नए परिजीवन में नर्मदा क्षेत्र आ गया है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा हमारी बिल्कुल। और सांसद जी, सवाल ये भी है कि केवल मेरठ ही नहीं, जितने भी गंगा के तट से लगे हुए शहर हैं, जो तमाम नाले निकलते हैं या फिर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका जो वेस्टेज निकलता है, वो आज भी चुनौती बना हुआ है। तो इस क्षेत्र में कितना इन चुनौतियों से आप लोग निपट पाए कि जो गंदा पानी है वो ना जाए, जाए तो ट्रीट होकर ही जाए। मेरठ की भी जहां तक मैं बात करूं, मेरठ में काली नदी है जी, काली नदी निकल करके आती है, हालांकि शामली से निकल करके आती है वो, और मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ और आगे जाके कन्नौज के पास तो गंगा नदी में मिल जाती है जी। तो गंगा जी एक प्रकार से सहायक नदी है, और रिकॉर्ड के अंदर भी उसको गंगा जी सहायक नदी ही माना गया है, क्योंकि उसका सारा का सारा जो उत्प्रवाह है वो जाकर के गंगा में मिल जाता है। अभी जो काली नदी है ये देश की सर्वाधिक विषैली नदियों में से एक है, इसका जो भी काम हुआ है, जो इंडस्ट्री का पूरा वेस्ट है उसके अंदर चला जाता है, जो सीवरेज है उसके अंदर चला जाता है, और ये जो गंदगी है सीधे गंगा में नहीं जाए तो काली नदी के माध्यम से जा रही है, तो वास्तव में इसको रोका जाना चाहिए। मैंने अपने स्तर के ऊपर नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ये मैंने मांग की थी कि काली नदी का जो प्रदूषण है उसको समाप्त किया जाए। तो 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो पूरा का पूरा मेरठ का सीवरेज है उसको शुद्ध करके उसमें डाला जाए, साफ करके डाला जाए, जो इंडस्ट्री है उसका जो प्रदूषित पानी है, यानी उसकी हालत यह है यदि उसके अंदर अपना हाथ भी डाल दें तो हाथ के ऊपर निशान पड़ जाते हैं तुरंत, यह तो बहुत दूर की चीज है। तो ये जो चीजें हैं इसको ठीक किया जाए, तो वो प्रोजेक्ट बना है, कुछ उस पर काम भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, परंतु कोरोना की वजह से निस्संदेह उसकी गति तेज नहीं हो पाई है, एकदम उसकी चिंता कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, आपने सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा आपके चैनल को कि इस अत्यंत महत्व के राष्ट्रीय विषय के ऊपर, राष्ट्रीय विषय करो केवल उत्तर भारत का विषय नहीं है, पूरे देश का और वैश्विक विषय है, देश की मान्यताओं की दृष्टि से देखे तो आपको इतना उठाया, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ आपके चैनल का। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन स्तरों पर निरंतर काम करने की जरूरत है, जन जागरण के स्तर पर काम करने की जरूरत है। मैं देखता हूँ हम लोग यमुना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो यमुना पर लोग जो है जो पूजा की सामग्री है उनको डालते ही रहते थे, जालियां लगाई गई हैं तो भी आपको एक दो बार माला उसमें अटकी हुई मिल जाएंगी। तो मैं समझाने की जरूरत है कि भाई इस प्रकार से गंगा का गला घूट रहे हो आप, गंगा के प्रवाह में भी कमी आ गई है, और उस घटे हुए प्रवाह के अंदर आप इस प्रकार के अवरोध इस माध्यम से डालोगे तो गंगा का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक बात मैं
ज्यादा समय नहीं, इसलिए मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा, गंगा के किनारे शवदाह की अनुमति नहीं होनी चाहिए। देखिए दिल्ली के अंदर यमुना के किनारे निगम बोध घाट बना हुआ है, यमुना के किनारे ही है, यानी एक शमशान एक अच्छा था जिससे शमशान बनाया जाए। लेकिन जो अभी भी होता है, मैं देखता हूँ ब्रिज घाट पर होता है, ये मखदुमपुर के अंदर होता है, लोग ले जाते, परंपरा से चला आ रहा है कि हम जो वहां ले जाते गंगा के किनारे चिता बनाते हैं और वहीं पर करके उसको। तो क्या अपने क्षेत्र में आप ये प्रयास करेंगे कि ये परंपरा बंद हो, या तो जो जरूर करेंगे जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने अपने शहर के जो शमशान है उनका उपयोग करें, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कई बार हमारे पितृपुरुष ही ये इच्छा कर जाते हैं कि हमको गंगा के किनारे हमारा शवदाह हो, तो वहां पर समुचित स्तर के हर एक स्थान के ऊपर जहां भी शवदाह होता है वहां शमशान गृह बनाए जाए, वहां पर उसकी पीठ बनाई जाए, वहां पर शवदाह हो और अगले दिन जब भी जो समय तय हो उसको दोबारा जाए और उसकी विसर्जन करके आए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। मैं निगम बोध घाट का उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार से पूजा सामग्री लेकर के आते हैं रास्ते में, तो जो डालते गंगा के किनारे बोध लेकर। बिल्कुल, यानी कि ये जागरूकता का विषय है। सांसद जी आपसे ये भी प्रश्न है कि गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प में आज सांसद जी क्या संकल्प लेंगे और गंगा सुरक्षा का अभियान एक नए सिरे से और अच्छे से बेहतर हो, उसके लिए आज आप क्या संकल्प लेना चाहेंगे? और गंगा की जो अविरलता है, गंगा की जो पवित्रता है वो बनी रहे, गंगा को प्रदूषित न किया जाए। वैयक्तिक स्तर के ऊपर भी मैं उसका प्रयास बराबर करता हूँ, करता रहूंगा, और जो लोग मैंने प्रेरित भी करूंगा। मैं एक प्रकार से बहुत, आपने तो इस अभियान का शुभारंभ पुनः किया है तो आपका अभिनंदन मैंने किया ही है, उस नाते भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले से भी अपने क्षमता के आधार पर भी, निष्ठा के आधार पर भी, और जो हमारे जल स्रोत हैं उनकी शुद्धता बनी यदि नहीं रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं। बहुत सारे विषय इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि स्थानीय स्तर के ऊपर भी गंगा को किसी भी प्रकार से मलिन होने से हम लोग बचा सकें। बिल्कुल, धन्यवाद सांसद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये संकल्प लिया और सभी मिलेंगे तभी गंगा सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, गंगा की पवित्रता सुनिश्चित हो पाएगी। तो मेरठ से सांसद जुड़े और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता का विषय, और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने ये कहा है कि गंगा के तट पर शवदाह नहीं होने चाहिए, इस संबंध में वो कोशिश करेंगे। तो बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि गंगा के किनारे शवदाह की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उनकी तरफ से भी प्रयास होगा कि सुनियोजित तरीके से दाह संस्कार के लिए वहां पर जो बनाया जाए वहीं पर दाह संस्कार हो, लेकिन गंगा के किनारों पर शवदाह नहीं होना चाहिए। नमामि योजना के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो जन जागरूकता अभियान होता है उसको लेकर भी काम करेंगे और गंगा प्रतिज्ञा महाअभियान के लिए एबीपी गंगा को सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चाहे वो अधिकारियों के स्तर पर हो, चाहे वो जनता के स्तर पर हो, इस पर काम चल रहा है और जो क्षेत्र मेरे दायरे में नहीं आता, क्योंकि गंगा केवल यूपी और उत्तराखंड का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है, ऐसे में सभी को अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प के साथ मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जुड़े, उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर शवदाह नहीं होना चाहिए।